पिछले ब्लॉग को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ बेंगलोर क्यों आया हूँ। तो बस बहाने थे, हमें तो बस साउथ घूमना था। ट्रैफिक की प्रॉब्लम बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली, और पुरानी पुरानी बाइकें जो खटारा खटारा होती थी ना, वो बाइकें भी यहाँ पे अवेलेबल। एमजी रोड के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था कि कैसा ब्रिगेड रोड है, चमचमाता हुआ। यार मेरे फ़ोन की क्लैरिटी नहीं है, बट दिस इज लुकिंग अमेजिंग, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है। जगह छोड़ी है मोहतरमा, आप देख सकते हैं कि सब है यहाँ का रोड बिल्कुल पत्थर से बना हुआ। इसी पथरीले रोड ने तो हमारा दिन लिया था। बिल्कुल अकेले एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सामने कैमरा नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये ब्लॉगर है। पार्किंग टिकट बड़ा सोचा कि फ्लाइट। पॉज। इस वीडियो से पहले जो कोरोना वाला वीडियो था उसमें तो तुमने बोला था बाहर का मत खाओ, ये क्या? एक्चुअली अभी मैं घर से बाहर हूँ तो बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत कंट्रोल किया। सो दिस विल बी द लास्ट। चलो बिल्ली का और एक तोबा कबूल कर लो। समझो ये पुलिस मेरे पीछे नहीं भाग रही है। अभी आपको एमजी रोड के पूरे तफसीलात देंगे, आप गौर से सुनिए। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, बैंगलोर इस एरिया में, ब्रिगेड एरिया, एमजी रोड एरिया में, यहाँ छोटी छोटी टोली में लोग सोशलाइज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लाइक चार चार पांच पांच जने खड़े होके एक जगह बैठे हुए, कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट ही मामला है दिल्ली से, तो जिस तरह दिल्ली में सीपी में लोग खड़े होते हैं, बैठने की जगह नहीं है। सो बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अभी मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी कुछ शॉर्ट्स और लेने हैं। उसके बाद हम चले 18वीं सदी की एक लाइब्रेरी में, जहाँ पे फोटो शूटिंग करना माना था। आउटस्कर्ट्स में बहुत ही कम बैंगलोर के लोगों को काम आती है, तो इसलिए यहाँ पे बस चिड़ियों का शोर है और कुछ भी नहीं है, लोग भी बहुत कम हैं। तो मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ आपकी जगह एम जी रोड वाले स्टेशन पर। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ नहीं मिल रहा,
सो हमारा जो एमजी रोड का सफ़र यहाँ तक ही था, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगले और एक वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आने पर आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़। और ये जो ग्लासेस आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल शीशा नहीं है और ये टूटे हुए हैं 4-5 साल पहले के।